हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश और यूपी की बॉर्डर पे और राजघाट डैम पे, जो अशोकनगर जिले में आता है। चंदेरी से जस्ट थोड़ा आगे है, 12 किलोमीटर। तो आपको पूरा डैम दिखाता हूँ। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो मेन डैम है। दोनों साइड, इस साइड बैक वाटर है और इस साइड नॉर्मल, जब पानी छोड़ते बहुत पानी रहता है। ये देख सकते हैं आप पूरा बैक वाटर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और काफी बड़ा बैक वाटर है। देखिए एंड नहीं दिख रहा इसका पूरा बैक वाटर। और दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और डैम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। और दोस्तों, आपको ये जो बैक वाटर दिख रहा है उसको रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है और इस डैम को राजघाट डैम के नाम से जाना जाता है। ये पूरा आपके सामने पूरा बैक वाटर है। अभी जो लेवल है वो थोड़ा कम हो चुका है, उसके बाद भी जो आप पानी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। अभी फ्रंट से भी ले चलूँगा, जहाँ से नॉर्मल पर्सन को एंट्री नहीं रहती वहाँ से आपको जाके डैम बताऊँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे फिशिंग कर रहे हैं और आप हाइट देखिए डैम की कितनी ज़्यादा डेप्थ है। और आप फ्रंट की साइड देखेंगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पीछे पूरा रोक रखा है पानी। आप ये हाइट देखिए, जो निशान दिख रहा है यहाँ तक पानी आ जाता है बारिश के टाइम। अभी गर्मी हो चुकी है, मई का मंथ चल रहा है, तो थोड़ा लेवल डाउन है। ये देखिए, ये मेन जो रोड है यही मेन डैम में, फ्रंट की साइड गेट है और इस साइड बैक वाटर। और आपको अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो टरबाइन रहता है वो कहाँ पे लगा रहता है और उससे जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से जाती है। ये देखिए, पहले आप डैम देख लीजिए, फिर आपको मैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जनरेट होती है वो चीज़, वो जगह बताता हूँ। ये आप देख रहे, ये है वो प्लेस जहाँ पर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर यहाँ पे आती है। ये देखिए, ये छोटे छोटे टरबाइन यहाँ पे भी लगे और ये फ्रंट के साइड का। अभी देखिए, जो ये रास्ता देख रहे हैं ना फ्रंट साइड में, वहाँ पे भी चलेंगे। टोटल 18 गेट हैं यहाँ पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा होगा डैम। सचिन भाई और बलवीर भाई भी आए साथ में। ये देखिए, आपको नीचे दिखाता हूँ यहाँ से मैं। ये देखिए पानी दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये रहा पूरा बैक वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, ये गेट है, आप बैक वाटर में अभी गेट लगा हुआ है तो बैक वाटर रखा है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो ये पहला गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रस्से दिख रहे, इससे गेट ऊपर खींचाता है, ऊपर ऊपर की तरफ आता है। और ये देखिए, यहाँ से निकलता है पूरा पानी, ये पूरा बैक वाटर है। यहाँ से बैक वाटर का एक गेट है, ये देखिए। और ये पूरे मेन डैम पे अभी चल रहे हैं हम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ है गेट पे टरबाइन के लिए। ये 8वें नंबर का गेट है, ऐसे एंड तक पूरे गेट है। तो दोस्तों देखिए, आ गया हूँ मैं फ्रंट साइड में। यहाँ गार्डन बना रखा है, जब डैम का पानी छोड़ा जाता है तो आप यहाँ से खड़े होकर भी देख सकते हैं। और अभी आपको मैं एक प्लेस पे ले चलूंगा जहाँ पे नॉर्मल पर्सन का जाना वर्जित है। परमिशन लेके हम फ्रंट की साइड जाएंगे और उसमें भी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ये देखिए, सामने आप ब्रिज देख सकते हैं डैम के सामने, अभी वहाँ पे भी जाएंगे। ये देखिए, अभी डैम में पानी नहीं छोड़ा गया है तो बिल्कुल भी पानी नहीं दिखेगा फ्रंट साइड में। और बैक वाटर आपने देखा ही सही, कितना बड़ा बैक वाटर है राजघाट डैम का। अब मैं आपको ले चलता हूँ वो ब्रिज पे सामने, बिल्कुल पास से सारे गेट दिखाता हूँ।
तो दोस्तों आ गए हैं उस ब्रिज पे जिससे बिल्कुल गेट आप पास से देख सकते हो। आगे अभी लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे आने के लिए भी परमिशन लगती है। ये देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर होगा इन गेट पे पानी का, बहुत ही ज़्यादा हाइट है यार। अभी खड़ा हूँ, मेरे को तो डर लग रहा है यहाँ पे खड़े होने में भी। सोचिए जब पूरे गेट ओपन होते होंगे तो पूरा जो ये ब्रिज है हिलता होगा। ये देखिए कितना बड़ा गेट है। और यार बिल्कुल अगर आप इस साइड आ रहे हो तो राजघाट डैम देखना तो आपका बनता है। डैम में 18 गेट, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा बड़ा डैम होगा। तो दोस्तों ये फ्रंट से भी आपने देखा और अभी वापस जा रहे हैं क्योंकि जो फ्रंट में जाने का रास्ता था वो पूरा डैम पार करके जाना था। तो अब वापस जा रहे, बड़ा थक गया यार क्योंकि बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ा। ये देखिए जो मशीन रखी इससे पूरा गेट ऊपर खींचा जाता है। दोस्तों देख सकते हैं ये पानी छोड़ रखा है थोड़ा सा, फ्रंट में लोगों को नहाना धोना हो तो। यहाँ पे आप देखें कितना कम पानी है, और जस्ट अभी पीछे बताता हूँ। अब देखें पानी, कौन बोलता है पानी की कमी है, पानी पानी पानी। ये देखिए क्या है यहाँ पे, पानी पानी पानी। तो ये क्या क्या चीज़ है वैसे मेरे को तो नहीं पता, पर क्रेन लग रहा है, क्रेन ही है ये। देखते हैं आपको पास से दिखाता हूँ, हो सकता है गेट ओपन करने के लिए कुछ होता हो। ये सचिन भाई और वल्लभ भाई पहले ही खड़े हुए, लेवल गर्मी में, अभी गर्मी में इतना पानी है तो सोचिए बारिश में। तो दोस्तों आपको ये राजघाट डैम का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।